आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भारत ने आने तक नहीं दिया, भारत ने उन्हें मजबूर कर दिया और अंत में पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी को खुद मना करना पड़ा कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि सुषमा स्वराज OIC की मीटिंग में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल हुई थी। इसका विरोध करते हुए पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होगा। भारत ने OIC की इस बैठक में एक बार पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर पटकनी दी है। पाकिस्तान दुनिया को ये बताकर भले ही खुश हो रहा हो कि उसने जम्मू कश्मीर पर OIC में अलग से प्रस्ताव पास करवा लिया है, लेकिन पाकिस्तान इस प्रस्ताव को अबू धाबी से जारी किए जाने वाले अंतिम संयुक्त विज्ञप्ति में शामिल नहीं करा सका। बता दें कि संयुक्त घोषणा पत्र OIC का एकमात्र आधिकारिक दस्तावेज है जिसे इस संगठन के सभी 57 देश स्वीकार करते हैं। इसी दस्तावेज को दुनिया के सामने चर्चा के लिए पेश किया जाता है। पाकिस्तान द्वारा लगातार दबाव दिए जाने के बावजूद भी अबू धाबी झुका नहीं और कश्मीर को अंतिम ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान OIC के हर सेशन में भारत से जुड़े मुद्दों पर घेरने की कोशिश करता रहा है। OIC में पाकिस्तान ने पहली बार भारत का विरोध दूसरे सेशन में किया जब राजा अली एजाज ने नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने भारत को न्योता देने के लिए अपनी कड़ी आपत्ति जताई। राजा अली एजाज सऊदी अरब में पाकिस्तान के राजदूत हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि इससे पहले 27 फरवरी को जेद्दा में UAE और सऊदी अरब से बात कर जम्मू कश्मीर पर OIC के कॉन्टेक्ट ग्रुप की आपात बैठक की। मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश सचिव तहमीना जांजवा और POK के राष्ट्रपति मसूद खान भी मौजूद थे। ये दोनों जम्मू कश्मीर के कथित तौर पर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले और भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले को उठा रहे थे। हालांकि OIC इस विरोध के सामने नहीं झुका। भारत की ये पहली कूटनीतिक जीत थी। दूसरी जीत, अबू धाबी से जारी होने वाले OIC की संयुक्त विज्ञप्ति से कश्मीर को हटाने के लिए भारत ने कूटनीतिक पैरवी की। इसी का नतीजा रहा कि इस घोषणा पत्र से कश्मीर का नाम अलग रहा। इस विज्ञप्ति में कश्मीर की चर्चा भी नहीं हुई। OIC में भारत की यह दूसरी जीत थी। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में भारत ने पाकिस्तान को इस कदर फंसा दिया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बैठक में शामिल तक नहीं हो पाए। डरे हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने सुषमा स्वराज को बैठक में शामिल होता देख भागने में ही खुद की भलाई समझी। पाकिस्तान को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उस दिन आतंकवाद पर जमकर सुनाया था। We are witnessing the terrible daily destruction in senseless terrorist violence. It is destroying lives, destabilizing regions and putting the world at great peril. The reach of terror is growing. Its lethality is increasing. And the toll it is taking is rising.